हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेकर आए हैं बकरीद स्पेशल आपके लिए नमकीन चाप की रेसिपी, जो कि बहुत ही डिलीशियस बनती है और इतनी क्रिस्पी और इतनी चटपटी कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, देखिए कितनी आप आवाज़ सुन सकते हैं, कितनी क्रिस्पी सी चटपटी सी हमारी मज़ेदार सी मटन चाप बनकर रेडी होती है। चलो आइए देखते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को हमने कैसे बनाया। सबसे पहले यहाँ पर लेना है प्रेशर कुकर। अब यहाँ पर तकरीबन 1 kg के करीब यहाँ पर लेना है हमें मटन चाप। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से वॉश कर लेना है। अब यहाँ पर हमें सभी मटन चाप को प्रेशर कुकर में ऐड कर देना है। यहाँ पर कोई मसाले ऐड नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं जाएगा, बस यहाँ पर हम ऐड करेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और उसके बाद यहाँ पर 1/2 teaspoon लेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छे से मिक्स करना है, पानी ऐड नहीं करना है। अभी इसको हम खोल कर पकाएंगे ताकि जो मटन है पानी रिमूव कर दे, उसके बाद ही हमें इसकी लीड लगाना है। अब यहाँ पर जाएगा थोड़ा सा गरम मसाला, अब यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद थोड़ी देर हम इसको ऐसे ही खोल कर पकाएंगे। यहाँ पर देखिए मटन ने जो अपना पानी है रिमूव करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर इसके बाद हमें लीड लगा देना है और यहाँ पर हमें 2 प्रेशर लेने हैं और इसको इसका जो प्रेशर है निकालना नहीं है, बस ऐसे ही बंद करके रखे देना है। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए जब खुद से प्रेशर निकल जाए यहाँ पर हमें लीड खोल देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी जो है रिमूव हो चुका है। अब इसको हमें ड्राई करना है, हाई फ्लेम पर इसको एब्जॉर्ब करना है। यहाँ पर हमें मटन को 80% तक पकाना है, 100% नहीं कुक करना है। अब ये कढ़ाई लेनी है, कढ़ाई में ऑयल लेना है, अच्छे से उसको गर्म करना है। अब यहाँ पर सभी जो चाप है एक एक करके हम ड्रॉप करेंगे। यहाँ पर हमें स्लो फ्लेम पर ही इसको फ्राई करना है, बाद में हम इसको हाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। बहुत ही सादा सिंपल ईजी तरीके से मटन चाप बनाइएगा और देखिएगा बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होती है। यहाँ पर कोई भी मसाले कोटिंग के लिए नहीं जाएंगे। आप नमकीन चाप को ज़रूर ट्राई करिएगा, नमकीन सिंपल चाप है लेकिन टेस्ट बहुत ही अच्छा जाता है और बच्चों को बेहद पसंद आने वाली रेसिपी है। यहाँ पर अब दोनों तरफ से हमें मटन चाप की जो साइड है चेंज कर देनी है, अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए जब तक हमें इनको फ्राई करना है, ज़्यादा इनको डार्क नहीं करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। ये देखिए कितना प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब यहाँ पर हम इनको निकाल लेना है। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही कुरकुरी सी हमारी जो नमकीन मटन चाप है बनकर रेडी हो चुकी है। अगर आपको मसालेदार चाप की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पर इनको निकाल लेना है, फिर हमें दूसरी चाप को भी ऐड कर देना है। आप चाहें तो चाप के अलावा जो सादी बोटी है उनको भी फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए अब इनको भी फ्राई कर लेना है, इनको भी निकाल लेना है। अब यहाँ पर हम सर्व करेंगे। आप देखिए कितनी क्रिस्पी आवाज़ सुन सकते हैं, कितनी हमारी जो क्रिस्पी है करारी सी मटन चाप बनकर रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर चाट मसाला डालिएगा और ऊपर से नींबू, बहुत ही माउथ वाटरिंग रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पर टमाटर की तीखी चटनी के साथ, प्याज के लच्छों के साथ इसको ज़रूर सर्व करिएगा। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी सी हमारी मटन चाप बन के रेडी हो चुकी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। बकरा ईद पे इसको बनाइएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को खिलाइएगा। और रेसिपी पसंद आए तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।